आज इस वीडियो में हम पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड को अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करें ये जानेंगे। लेकिन अगर आपने मेरी से पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड के बारे में बताया है नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड का अपने डेली लाइफ में यूज कैसे करें, इसके लिए हमें हैबिट स्कोर कार्ड बनाना होगा। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जिससे हम अपने बिहेवियर के प्रति ज्यादा अवेयर हो सकते हैं। हैबिट स्कोर कार्ड बनाने के लिए एक पेज पर आप अपने डेली हैबिट्स की लिस्ट बनाओ, यानी पूरे दिन में आप जो जो काम करते हैं उन कामों की लिस्ट। एग्जाम्पल के लिए ये लिस्ट देखिए: उठना, फोन देखना, दांत साफ करना, फ्रेश होना, नहाना, नहाने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करना, ब्रेकफास्ट करना, कॉफी पीना। जब आपकी ये लिस्ट बन जाए तो आपको इसकी रेटिंग करनी है। इसके लिए आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या ये अच्छी आदत है या ये खराब आदत है या न्यूट्रल। अगर ये अच्छी आदत है तो इसके सामने प्लस का साइन बनाइए, यदि वो खराब आदत है तो माइनस का साइन बनाइए, और अगर न्यूट्रल है तो इक्वल का साइन बनाइए। तो अब ये लिस्ट कुछ इस प्रकार दिखेगी। अगर आपको ये तय करने में परेशानी हो रही है कि किस आदत को प्लस रेटिंग दें और किस को माइनस रेटिंग दें या फिर इक्वल, तो आप अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये आदत मुझे वो बनने में मदद करेगी जो मैं बनना चाहता हूँ। अगर आपका जवाब हाँ है तो उसे प्लस रेटिंग दीजिए, और अगर नहीं है तो माइनस रेटिंग दीजिए। जब आप अपनी आदतों का स्कोर कार्ड बना लें तो पहले कुछ बदलने की कोशिश ना करें, बस अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप क्या कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बुरी आदतों को करने से बचें। अगर आपको लगता है कि आप बुरी आदतों को बार बार कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं उसे तेजी से बोलिए कि आप उसे करना चाहते हैं और उस काम का क्या रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने फ़ोन में टाइम वेस्ट करने की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन आप पूरे दिन फ़ोन ही देखते रहते हैं, तो ज़ोर से बोलिए कि मैं फ़ोन देखना चाहता हूँ लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मेरा वैल्यूबल टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं अपनी लाइफ को उस तरह से खर्च कर रहा हूँ जिस तरह से मैंने कभी नहीं चाहता था। अगर आप शॉपिंग करते वक्त किसी चीज़ को खरीद कर फिजूल खर्च कर रहे हैं तो तेज़ी से बोलिए कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे काम की नहीं है, इस पर मेरे पैसे ही वेस्ट होंगे। अपनी बुरी आदतों को जोर से बोलने से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और परिणाम ज्यादा साफ दिखाई देंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इससे पहले की 4 वीडियो नहीं देखी हैं, तो मैं उनकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज की अगली वीडियो में मैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन और हैबिट स्टैकिंग के बारे में बताऊंगा। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।